हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग निशा राजपूत व्लॉग्स के। तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। हम भी बहुत बढ़िया। और आज हम जा रहे हैं स्टोरी का बर्थडे गिफ्ट लेने। है स्टोरी, क्या क्या लोगे आप अपने बर्थडे में बताओ? गिफ्ट क्या लोगे? केक, साइकिल, अब इसकी लिस्ट देखना। बताओ बताओ और बताओ। और एक और भी कुछ चाहिए? ड्रेस वगैरह, प्रिंसेस वाली ड्रेस। और खाने में क्या चाहिए? चॉकलेट? बहुत सारी। हाँ चॉकलेट तो उसे कितनी खिला लो भर के। प्रिंसेस वाली ड्रेस है ना, और साइकिल है ना, और क्या क्या चाहिए? चलो भाई, आइसक्रीम भी चाहिए हम इसको। चलो गाइज मिलते हैं स्टोरी के साइकिल, और हम लेने जा रहे हैं। चलो गाइज गाइज हम ना जा रहे हैं, अब घर से निकल चुके हैं साइकिल लेने के लिए। और काफ़ी घर में थोड़ी ठंड सी है और बाहर थोड़ी गर्मी सी है। अभी देखते हैं कौन सी साइकिल लेंगे इसकी जाके। हम पहुंच गए हैं करोल बाग। हनुमान जी की मूर्ति पे ना रेनोवेशन का काम चल रहा है। काफी सुंदर मूर्ति है गाइस। हम पहुंच चुके हैं साइकिल मार्केट, और ये देखो स्ट्रॉबेरी खुश होते हुए बोल रही है मैं पिंक साइकिल ही लूंगी। और हम भी बहुत खुश हो रहे हैं स्ट्रॉबेरी की साइकिल लेने आए। और ये गाइस देखो हम आ चुके हैं साइकिल मार्केट, और ये साइकिल देखते हुए काफी अच्छा अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे साइकिल का। ये देखो ऑरेंज कलर की कितनी सुंदर साइकिल है, पर इसे चाहिए पिंक। सबसे पहले पिंक भी याद लगाया इसने। ये घर से सोच के आई थी पिंक भी लेनी है सिर्फ। उन्होंने बहुत समझाया ऑरेंज ले ले, ऑरेंज ले ले, मैं पिंक ही लूंगी। हाँ, एक काफी अच्छी साइकिल दिखाई थी वो वाले भैया ने, पर नहीं इसे पसंद नहीं आई। यहाँ थोड़ी फिर क्वालिटी हल्की थी, हाँ, हम आगे दुकान फिर से लेंगे। हम सोचा ये देखो गाइस कितनी सुंदर सुंदर कार, और ये देखो बाइक वगैरह कितनी सुंदर सुंदर, और ये टॉयज वगैरह और होली के लिए पिचकारी वगैरह भी काफी अच्छी आ रखी थी यहाँ पे। इस मार्केट में सिर्फ टॉय मतलब साइकिल नहीं है, काफी बार काफी भी अदर टॉयज भी हैं यहाँ पे। देखिए हम सेकंड दुकान में। ये है सेकंड दुकान है यहाँ पे, और ये दिखाई थी वाले भैया ने कि ये अच्छी है। देखते हैं आप स्टोरी को चलवा दे कि कैसी लगेगी। देखने में तो अच्छी लग रही थी वैसे। और ये स्टोरी की लाइफ की फर्स्ट साइकिल ट्राई करते हुए, और ये स्टोरी बैठ चुकी है ये राइडिंग के लिए। ये उतर गई, पहली डाइट में दर्दी। इसको ये लग रहा है कि मैं गिर ना जाऊं बस। फिर ये स्टोरी अपनी सेकंड साइकिल साइकिल ट्राई करते हुए, मुझे तो काफी अच्छी लग रही थी ये वाली, पर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही थी ना। थोड़ी क्वालिटी हल्की थी इसमें, और ये स्टोरी चढ़ी सेकंड नहीं नहीं पहले होता इसे है। बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों डर लगता है। इसे लगता है गिर जाएगी। स्टोरी चलाई एक और साइकिल। चला दो नहीं वैसे इतनी, पर इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी इस वाली साइकिल की। और ये गाइस देखो हमने साइकिल फिर यहाँ से फाइनली ले ली थी मेहता इंडस्ट्रीज, ये है उस शॉप का नाम। काफी अच्छी साइकिल थी वो, जो साइकिल का वो था ना। बैनर शो। हाँ, और
इसके बाद सारे ब्रांडेड ही साइकिल की क्वालिटी बहुत अच्छी थी इस वाले शोरूम में ना, अच्छी थी क्वालिटी काफी। और प्राइस भी रीजनेबल है। बाकी लोकल शॉप से जो साइकिल 300 से 400 रुपये चीज महंगी होनी चाहिए पर अच्छी होनी महंगी थी। चाहिए, जो चल भी जाए और अच्छी भी हो, इसमें ही कर रहा हूँ मैं। हाँ नहीं, हमने वहाँ से ले लिया 3600 उसने पहले बोला था, 3600 बोला था, पर बार्गेनिंग करने के बाद 3200 पर उसने दे दिया ना। और एक हमने साथ में, ये डुगू का लिया था, हाँ एक स्कूटर लिया था, स्कूटर लिया था हमने डुगू का। दोनों बच्चे बहुत खुश हैं। और अब स्ट्रॉबेरी के पापा भी खुश है, स्ट्रॉबेरी की बहन से इतनी जान खा रखी थी कहीं से हमारी, फाइनली वही है हमारा। दिन रात साइकिल साइकिल साइकिल। और ये हम देख रहे हैं पिचकारी लेने की सोच रहे थे, पर डूबड़ा स्टोर ने ना वो किसी के ऊपर पिचकारी चला दी, अब तो गड़बड़ होंगी थोड़ी सी। गाइज हम जा रहे हैं प्राचीन हनुमान मंदिर, कहाँ पे है? प्लांट प्लेस, जय श्री राम। अगलो सॉरी, मंकी कैसा देखा था आपने? डर लग रहा था आपको मंकी से? जय होगा ना। श्री राम, जय श्री राम। गाइज हमने ना मंदिर में दर्शन करते थे ना कैमरा मतलब ऑफ ही कर दिया था, क्योंकि ना अच्छा नहीं लगता अंदर कैमरा। और उसके बाद हमने खाई थी कचौरी जो यहाँ पे फेमस है, कचौरी और ब्रेड पकौड़ा, और बच्चे खेल रहे हैं दोनों, और फिर हम फिर और चाय। मम्मी किस चीज़ का मंदिर है पीछे यार, वो रंग बिरंगा सा ये कैसा लगा मंदिर घूम के? कैसा लगा मंदिर यहीं पे, अच्छा लगा? मेरे को तो प्रसाद भी बहुत अच्छा मिला है, हाँ बाबा ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया मुझे तो यार। अरे वाह, गाइज मैं ना घर आ गई थी मंदिर से, और ना हमें आते आते बज गए, 3 बजे गए थे हम, और हमें आते आते बज गए हैं 7:30, और हम बहुत थक चुके हैं। बस अब मैं खाना बनाऊंगी, फिर खाना खाएंगे और फिर थोड़ी देर मोबाइल चलाएंगे और फिर सो जाएंगे। चलो बाय बाय।